आप देख रहे हैं तेज खबर 24 और वक्त है खबरों का। सीधी जिले के रामपुर नैकिन जनपद पंचायत क्षेत्र अंतर्गत ग्राम कोरीगवा में आज दोपहर लगभग 3 बजे रामपुर नैकिन से रीवा की तरफ जा रही स्कॉर्पियो वाहन अनियंत्रित हो गई और नहर में समा गई, जिसकी वजह से कई लोगों के मरने की आशंका जताई जा रही है। फिलहाल वाहन में पुलिस को एक युवक का शव मिला है। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस अधीक्षक सहित रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंच गई है। हम आपको बता दें, यह वही जगह है जहां पर एक बस नहर में पलट जाने से लगभग 52 यात्रियों की जान चली गई थी और बड़ी मशक्कत के बाद शव को काफी दूर तक 3 दिन तक चले सर्चिंग के बाद शव की तलाश हो पाई थी। ग्रामीण सतीश शुक्ला ने जानकारी देते हुए बताया, यह हादसा करीब 3 बजे हुआ है जब वाहन अनियंत्रित हो गया है। हालांकि उसमें कितने लोग सवार थे और कितने की मौत हुई अभी इस बात की पुष्टि नहीं हो पाई है, क्योंकि अभी भी पुलिस एवं प्रशासन की टीम के द्वारा उन्हें निकालने का प्रयास किया जा रहा है। वाहन को भी बाहर निकालकर और लोगों की SDRF की टीम तलाश में जुटी हुई है। अभी जो हादसा हुआ सर, कैसे हुआ है कि जानकारी सर मिल पाई? रामपुर लेकिन थाना क्षेत्र में दुर्घटना हो गई, उसमें स्कॉर्पियो गाड़ी बाणसागर नहर में गिर गई है, जिसमें गाड़ी को बाहर निकाल लिया गया है। इसमें एक डेड बॉडी भी रिकवर की गई है। इसमें कितने लोग सवार थे इसकी जानकारी अब तक नहीं लग पाई है, इसके संबंध में जानकारी जुटाई जा रही है। मृतक का नाम सर क्या पता चल पाया अभी तक की जाँच? मृतक रीवा जिले का रहने वाला है और किसी काम से सीधी जिले में आया। अभी मृतक का नाम क्लियर हो गया है, आइडेंटिफाई हो गया है, और कितने लोग थे सवार गाड़ी में इसकी जानकारी अभी तक नहीं है। थैंक यू।